रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो सरगुजा से मिल रही है। कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। उदयपुर के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रवासी मजदूरों में 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। प्रवासी मजदूरों में लगातार पाए जा रहे कोरोना पॉजिटिव के चलते आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है और 5 और मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो बाहर से लोग लौटकर अपने गांव या फिर शहर लौट रहे हैं उनमें ये कोरोना काफी हद तक ज्यादा पाया जा रहा है क्योंकि वो कई लोगों के संपर्क में आते हैं जिसके चलते वो जल्द ही चपेट में आ जाते हैं। तो सरगुजा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 5 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी पर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राम कुमार यादव जुड़ गए हैं। राम, 5 लोग और सरगुजा में पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ नया आंकड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं बता दूं आपको कि अभी कुछ दिन पूर्व जो ये प्रवासी मजदूर हैं जो ग्राम जो दाबा है उदयपुर का ब्लॉक का वहाँ के निवासी है, इनके आने पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था जिनकी कल देर रात जो रिपोर्ट आई है 5 के 5 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका अब इलाज अंबिकापुर कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। खास बात यह रही कि अभी से कुछ दिन पूर्व जो है 9 जो है यहाँ से अंबिकापुर से ठीक होकर के गए थे लेकिन अब फिर 5 आ जाने से जो है जिला अस्पताल का जो कोविड-19 वार्ड है वहाँ मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। लगभग कितना आंकड़ा पहुँच गया अब सरगुजा में? सरगुजा की अगर बात करें तो अभी अगर पॉजिटिव की बात करें तो 14 जो है 14 लोगों का इलाज जारी है और अगर पूरा सरगुजा का अगर आंकड़ा निकाले तो अभी सरगुजा अंबिकापुर कोविड-19 में लगभग 65 जो मरीज हैं उनका इलाज जारी है। जी राम कुमार, जैसे कि WHO साफ कर चुका है कि अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो भारत में और ज्यादा बढ़ेगा, तो तैयारियां किस तरह की देखी जा रही है? मैं बता दूं आपको कोविड-19 जो है यहाँ मतलब कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरगुजा जो है पूरी तरह से तैयार है। अंबिकापुर में जो है कि जो प्रशासन है बहुत ही मतलब कि पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। लोग जो है लोगों को डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, मास्क लगाने की हिदायतें दे रहे हैं। जो यहाँ के जो सरगुजा कलेक्टर जो नवीन पदस्थ हैं संजीव झा जी वो स्वयं ही सड़कों पर निकल के कई बार जो लोगों को समझाइश देते नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी सरगुजा में जो है ये कोरोना जो पॉजिटिव की जो आंकड़ा है जो लगभग बढ़ता जा रहा है और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो ये जो आंकड़े हैं और भी बढ़ सकते हैं ऐसी बातें खुल के सामने आ रही हैं। चलिए राम कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।